एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक मीटिंग आयोजित की। उसमें बहुत सारे कर्मचारियों को बुलाया गया। मीटिंग दिन भर चलनी थी, इसलिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। भोजन समाप्त हुआ और लोग वापस लौटने लगे। दरवाजे पर हर व्यक्ति को एक गुब्बारा दे दिया गया और उस पर अपना नाम लिखने को कहा गया। फिर सारे गुब्बारों को लेकर एक दूसरे कमरे में रख दिया गया और फिर लोगों को कमरे में जाकर अपना गुब्बारा खोजने को कहा गया, वो भी महज 3 मिनटों में। सुनते ही लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए गुब्बारा खोजने लगे। इस धक्का मुक्की के कारण कमरे में भी भारी अराजकता फैल गई। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, ऊपर गिर रहे थे। गुब्बारा खोजने के बजाय उनका वक्त अपना बचाव करने में ही निकल गया और किसी भी व्यक्ति को अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिला। फिर उनसे कहा गया अब वे एक कमरे में जाएं और कोई भी गुब्बारा उठाकर ले आएं, देखें कि उस गुब्बारे पर किसका नाम लिखा है और जिसका नाम लिखा है उस व्यक्ति को वो गुब्बारा दे दें। इस तरह से 2 मिनट में ही हर व्यक्ति को अपने नाम का लिखा हुआ गुब्बारा मिल गया। तब कंपनी के मैनेजर ने कहा, हमें ठीक इसी तरह से मिलजुल कर अपना काम करना चाहिए। हमारी कंपनी तभी सफल होगी जब आप सब अपना काम करने के साथ साथ अपने साथियों की भी मदद करेंगे। ये मीटिंग इसलिए रखी गई है ताकि आप सभी को साथ काम करने के बारे में जानें और आप उसका महत्व भी समझें। कर्मचारी अपने बॉस की बात समझ चुके थे। देखिए, जीवन में भी यही होता है। लोग अपने इर्द गिर्द खुशियों की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं मिल रही। असल में दूसरों की खुशी में ही हमारा खुशी है। आप उन्हें उनकी खुशियां सौंप दें, आपको अपनी खुशी मिल जाए।